Hey, so guys, I'm Harshvardhan, I'm back with a new video. आज पर हम बात करने वाले हैं SBI कार्ड्स के बारे में. SBI कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा स्टॉक भी है एंड यहाँ पर आज इसे एनालाइज करने वाले हैं, देखने वाले क्या ये एक रिलायबल है यहाँ पर अभी बाय करने के लिए या फिर हमें रुकना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे यहाँ पर बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, SBI कार्ड यहाँ पर, SBI से तो शॉपिंग तो मैं भी करता हूँ बट SBI का कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ पर नहीं है मेरे पास, डेबिट है, क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड वाले ट्रैप में नहीं फंसना. क्रेडिट कार्ड ट्रैप क्या होता है, अगर आप आपने अगर फाइनेंस में स्टडी की है तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो काफ़ी सारे वीडियो या फिर मैं खुद कभी समझा दूंगा, बाकियों के भी वीडियोज़ है, देख सकते हो. क्रेडिट कार्ड ट्रैप क्या होता है, हमें एक पर्सन को फाइनेंशियल लिटरेसी में एटलीस्ट बेसिक, कोई भी आप कोई भी फील्ड से हो, क्रेडिट कार्ड ट्रैप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी कैसे उस पर प्रॉपरली एक फाइनेंशियल प्लान होके शॉप कैसे करना चाहिए भी आपको सभी को पता होना चाहिए. थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया बट हर एक पर्सन को ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए ही चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी फील्ड से हो, कोई भी जॉब करते हो, आपको ये पता होना चाहिए. ओके, SBI कार्ड्स आज यहाँ पर बात करेंगे SBI कार्ड्स के बारे में. सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, कोई यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज फटाफट सारी चीज़ें निपटा देंगे, काफ़ी अच्छे तगड़े एनालिसिस की है. ओके, प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप सबसे ज़्यादा है 69.46, नाइस नंबर्स. यहाँ पर पब्लिक के पास यहाँ पर 30.54 है, तो यहाँ पर अभी हम पब्लिक का सबसे पहले प्रमोटर्स सबसे पहले जिसके पास सबसे ज़्यादा है डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक SBI खुद है, यहाँ पर 69.45 है उनके पास. बाकी SBI लाइफ इंश्योरेंस के पास 0.01, SBI जनरल लाइफ, यानी सारे जो प्रमोटर ग्रुप है उसमें बस SBI ही है, सारा पूरा SBI ही पड़ा है. म्यूचुअल फंड्स के पास यहाँ पर 2.46, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स 0.33, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 5.93, उसमें से BNP परिवास आर्बिट्राज ODI 1.06, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक प्रमोटर खुद है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है तो बाकी के ज़्यादा है नहीं. इंश्योरेंस कंपनीज 0.41, इन सब का यहाँ पर सब टोटल 9.16 हो जाता है टोटल इंस्टीट्यूशन में B1 का. ओके, मूविंग ऑन, उसके बाद इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू, यानी हम जैसे लोग यहाँ पर 4.25% यहाँ पर इसमें ओन करते हैं, बाकी के जिनका ज़्यादा है 0.34% ओन करते हैं. NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI 0.02, ज़्यादा है नहीं. अदर्स स्पेसिफाई किए हैं, उनके पास टोटल 16.77 है, उसमें ट्रस्ट है, फॉरेन नेशनल्स है, HUF है. सबसे ज़्यादा फॉरेन कंपनीज़ के पास 5.88 है, उसमें से CA रोवर होल्डिंग्स के पास 15.88 है. दे वेयर वन ऑफ द एंकर इन्वेस्टर्स जब ये IPO आया था. IPO आप सभी को बताया रिसेंटली आया था, तो ये एंकर इन्वेस्टर्स में से एक थे. नॉन रेसिडेंशियल इंडियन 0.12, इन सब का सब टोटल 21.3 है, टोटल 30.54 हो जाता है. ओके, तो कंप्लीटली प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है. अभी डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे भी यहाँ पर काफ़ी सारे हम इसके ऊपर ही बहुत सी एनालिसिस डिपेंड करती है. ओके, अभी अगर हम इसका टोटल ये देखें, नेट प्रॉफिट देखें, तो प्रॉफिट्स यहाँ पर जो है वो सितंबर के क्वार्टर में अभी यानी करेंटली जो आया रिजल्ट्स उसमें गिरे हैं, वो प्रॉफिट्स गिरे हैं. जून में यहाँ पर काफ़ी अच्छा हुआ था, इवन दो लॉकडाउन था, बट सितंबर में काफ़ी गिरे क्योंकि लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा शॉप नहीं किया है SBI के कार्ड से, क्योंकि ऑब्वियसली लोग सेविंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लोगों का यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा था. और जब लोग यहाँ पर फालतू एक्सपेंडिचर करते हैं तब इन कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब लोग फालतू एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं तब इनको लॉस होता है. ऑब्वियसली इस जो पीरियड में लोग ज़्यादा फालतू एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे थे, अननेसेसरली बाइंग नहीं कर रहे थे, उसके वजह से यहाँ पर 2.6 अननेसेसरी. जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज का क्या होता है, जब लोग अननेसेसरी बाइंग करते हैं, अननेसेसरी बाइंग यानी क्रेडिट कार्ड से लोग यूजुअली अननेसेसरी बाइंग ही करते हैं. आप बोलो, आप यहाँ पर काउंटर भी कर सकते हो, नहीं लोग अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा होती नहीं है, बहुत से लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, वो प्रॉपरली उसका एक क्रेडिट कार्ड का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है उन्हें पता होता है. इसलिए मैं सबसे पहले वीडियो में बोला था क्रेडिट कार्ड ट्रैप क्या होता है वो जानो, आपके खुद के लिए जानो, स्टॉक मार्केट के लिए, आपके खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए जानो. ओके, तो वैसे ही जिन्हें ऐसे मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं जिन्हें ये क्रेडिट कार्ड ट्रैप क्या होता है पता नहीं होता, इसलिए वो फंस जाते हैं और ऑब्वियसली वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करके देते हैं इन लोग को. तो वो लोग यहाँ पर ज़्यादा अननेसेसरी शॉपिंग नहीं कर रहे थे, बाइंग नहीं कर रहे थे, इसके वजह से ऑब्वियसली इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ सितंबर क्वार्टर में.
दो चीज़ से होता है, एक फंडामेंटली स्टॉक मार्केट चलता है, एक इमोशनली चलता है। इमोशनली यहाँ पर हम इमोशनली हमें अगले रिजल्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना होता है, जस्ट नॉट ट्रेंडिंग जो चार्ट होता है वो भी इमोशनली चलता है मोस्टली। बट या जो इंट्राडे, जो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पोजिशन वाला मोस्टली इमोशनली पर चलता है। बट जो फंडामेंटल्स में हम जो अनुमान लगाते हैं अगले टाइप का, वो भी थोड़ा इमोशनली चलना पड़ता है। 1992 वाला डायलॉग याद आ रहा है, इमोशन वाला। ओके, सो यहाँ पर अभी हम एक अभी देखते हैं, इसके वजह से इसमें फॉल काफ़ी बड़ी आई। यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ी फॉल आई इसमें, जैसे ही यहाँ पर इसके रिजल्ट्स आउट हुए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं आए, इसके स्टॉक में गिरावट आई। तो अभी हम क्या करना चाहिए, क्या इसे बाय करना चाहिए? मैं कहता हूँ अगर थोड़ा सा मार्केट के ऊपर ध्यान दो, देखो यहाँ पर रिजल्ट्स क्या आते हैं, किसके रिजल्ट्स आते हैं, जो यहाँ पर US इलेक्शंस हो गए उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। यूरोप में भी अभी हम देख सकते हैं वहाँ पे भी थोड़ी गिरावट आ रही है, US में भी थोड़ी गिरावट आ रही है, इसके वजह से मार्केट कैसे चल रहा है। देखो अगर यहाँ पर इससे थोड़े कम नीचे प्राइस पॉइंट पे मिले, तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स तक एटलीस्ट आप यहाँ पर इसे बाय कर सकते हो, क्योंकि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। ये क्यों अच्छे आने वाले हैं, कैसे अच्छे आने वाले हुए, वो आपको होमवर्क है, वो आपको होमवर्क है। मैंने इतने सारी चीज़ें आपको बता दी अभी, तो वो आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आप अभी जानो कि क्यों आएंगे अच्छे रिजल्ट्स, क्या आने वाला है ऐसा अपकमिंग टाइम में जहाँ पे लोग यहाँ पर SBI कार्ड्स को प्रॉफिट करा के देंगे। हिंट दे दी, बहुत सारे हिंट दे दी, थोड़ा आपको ज़्यादा जितना नॉलेजेबल होगा, आपको जितना ज़्यादा अच्छा समझेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा समझे, इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसलिए आप ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट बनोगे आपके खुद के फ़ायदे के लिए, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आपके खुद के फ़ायदे के लिए आप ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए ये होमवर्क है कि ऐसा क्या होगा जी इनका अगले वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट अच्छा होगा, और पहले से भी बहुत हो रहा है, ये क्वार्टर चल रहा है, महीना हो गया ख़त्म होने को आया, ऑलमोस्ट ये महीना एक क्वार्टर हो गया, इस महीने में ही इसने काफ़ी ज़्यादा कमा किया, और आने वाले और दो महीने हैं उसमें भी ये काफ़ी अच्छा कमाएगा। कैसे कमाएगा, क्यों कमाएगा, ये आपको जानना है, बट मुझे लगता है कि ये कमाएगा, और आपको भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, थोड़ा देखना चाहिए कि अगर मार्केट खराब हुआ तो और नीचे वाले दाम पे ये मिल सकता है। ये एक मैं बात पहले से बता के रख रहा हूँ कि और नीचे वाले दाम पे ये मिल सकता है अगर मार्केट खराब हुआ तो, अगर वहाँ पे मिला तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छे स्टॉक्स पर जब डिस्काउंट के भाव पे मिलते हैं तब खरीदने चाहिए, जब बुरे स्टॉक्स डिस्काउंट में भी बुरे होते हैं और अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के जाते हैं। जो लोग यहाँ पर जब भी ऐसे स्टॉक मार्केट में फॉल आई, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जब डिस्काउंट में मिले उठा लिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है बहुत से लोगों को, आपको भी हो सकता है। इसलिए अगर ये डिस्काउंट पे मिला और नीचे जाके मिला और नीचे प्राइस पॉइंट पे मिला, तो इसे ज़रूर एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स तक के लिए होल्ड आप कर सकते हो। ये ऑब्वियसली पोटेंशियली वो वैसे रिजल्ट्स दिखाते जाएगा स्टॉक मार्केट में, वैसे रिजल्ट्स आते ऐसा बूस्ट नहीं हो जाता, वो अपने आपको थोड़ा सा मेंटेन भी करता है, उसके अकॉर्डिंगली इमोशन भी करते, क्योंकि ये जो एनालिसिस है वो हम सिर्फ नहीं करते, इंस्टीट्यूशंस वाले भी करते हैं, वो भी करते हैं, बट उन्हें यहाँ पर सेलिंग करनी पड़ती है जानबूझकर तब जब यहाँ पर मार्केट ख़राब हो, इसलिए तब स्टॉक गिरते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये कब गिर रहा है, वॉचलिस्ट में एटलीस्ट ऐड करके रखो, देखो प्रॉपरली एनालाइज करके रखो, एटलीस्ट देखते रहो मार्केट कैसा चल रहा है, निफ्टी कैसा चल रहा है, ये जो स्टॉक्स है वो वॉचलिस्ट में हर रोज़ देखते बैठो कि हाँ आज ये इतना हुआ, आज ये उतना हुआ, क्या सिचुएशन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खुद से भी यहाँ पर करनी चाहिए। आई होप आप सभी को समझा होगा, आई होप एक प्रॉपर डिसीजन आप इसके बाद ले पाओगे। इट्स अ होस्ट विद पर्सनिंग ऑफ सीन माई नेक्स्ट।